हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रंजीता किचन में। तो आज फ्रेंड्स हम शेयर करने जा रहे हैं बूंदी कढ़ी की रेसिपी और साथ में ही सिंपल पुलाव। तो अगर फ्रेंड्स आपको कढ़ी खाना पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स आसान रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बूंदी की कढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये बूंदी लिया है, तो ये मार्केट की बूंदी है। आप चाहे तो फ्रेंड ताज़ी बूंदी घर पर तलकर बना सकते हैं या फिर बाज़ार से ही बूंदी लाकर बना सकते हैं। तो साथ में फ्रेंड्स ये मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा पुलाव बनाने के लिए चावल लिया है, तो चावल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम साइड में रख देंगे और चलिए फ्रेंड्स हम कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में डालेंगे ये 200 ग्राम के लगभग बेसन। तो फ्रेंड्स इसको मैंने पहले से छान लिया है। अब बेसन में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करने से कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब ये फ्रेंड्स मैंने लिया है अमूल का छाछ। तो फ्रेंड्स हम कढ़ी छाछ से बनाएंगे क्योंकि हमें कढ़ी छाछ की बनी पसंद है। आप चाहे तो दही से भी बना सकते हो। तो अब इस छाछ से हम इस बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए, जिससे इसमें की सारी गुलटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें एक भी लम्स नहीं है, तो ये अच्छे से घुल गया है। तो अब इसमें हम ये सारा छाछ को डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा इस तरह से कढ़ी का घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम पुलाव की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये चावल हम लेंगे और बाउल में डालेंगे और इन्हें धोएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और 1 कप पानी डालकर रख देंगे भीगने के लिए। और इधर फ्रेंड्स हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने सरसों के तेल को डालकर गर्म कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब इसमें मैंने डाल दिया मेथी दाना, सरसों के दाना और जीरा, और इनको हम तड़का लेंगे। तो फ्रेंड्स कढ़ी में मेथी का दाना ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटे हुए लहसुन, आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को हम भून लेंगे और साथ में फ्रेंड्स डालेंगे ये हम 4 से 5 करी पत्ता, तो इससे भी कढ़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स कढ़ी में ज़रूर डालिएगा। तो अब फ्रेंड्स हम डाल रहे हैं 1 सूखा लाल मिर्च और इनको हम तड़का लेंगे। तो 1 सेकंड के लिए हम इनको सारे मसालों को भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब मैंने 1 पिंच इसमें हींग डाल दिया है और अब डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और अच्छे से मिलाएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें डालेंगे ये सब्जी मसाला। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स घोल तैयार कर लिया था। तो इस तरह से आप कढ़ी बनाएंगे या सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे ये तैयार किया हुआ बेसन का घोल और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। और फ्रेंड्स अब इसमें हम डालेंगे ये पानी। तो फ्रेंड्स आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कम या ज़्यादा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये पतली कढ़ी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स किसी किसी को गाढ़ी पसंद है तो आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली बना सकते हो। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और सारी चीज़ों को अब हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस के फ्लेम को हाई टू लो रखेंगे और इसको हम कवर करेंगे जिससे कि एक उबाल अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें एक उबाल आ गया है और अब फ्लेम को हम धीमी कर देंगे बिल्कुल लो और अच्छे से चलाएंगे। तो अब कढ़ी को हम दूसरी साइड में चढ़ा देंगे और 12 से 15 मिनट तक पकने देंगे और इधर हम पुलाव की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, और घी हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और 2 कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहे तो सूखा लाल मिर्च भी डाल सकते हो।
तो ये देखिए जीरा हमारा तड़क गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे ये चावल और इनको अच्छे से हम मिलाएंगे। तो एक मिनट तक इनको हम भूनेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट हो गया है और चावल हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2.5 कप पानी को डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करेंगे और इसको पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी कढ़ी को देख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी काफ़ी कम हो गई है, आप देख सकते हो, और इसमें बबल्स भी आ गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये बूंदी को और अच्छे से मिलाएंगे। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे अब ये गरम मसाला और साथ में डालेंगे ये कस्तूरी मेथी और सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसको हम चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। तो ये देखिए हमने पका लिया है और कढ़ी हमारी पक चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने पुलाव को देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पुलाव भी हमारा पूरी तरह से पका नहीं है, तो इसको हम एक बार दोबारा फिर से चला देंगे। और साथ में इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। तो इससे फ्रेंड्स पुलाव का कलर बिल्कुल सफ़ेद आएगा और साथ में ये हेल्थी और स्वादिष्ट भी बनता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको दूध डालना पसंद हो तभी डालिएगा, वरना स्किप कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से चला देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पुलाव बनाया हुआ है, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हो। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो कि पुलाव हमारा बहुत ही खिला खिला सा बना हुआ है और अब इसको हम गार्निश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेट में पुलाव को निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून घी और अब हम गार्निश करेंगे ये भुने हुए प्याज से, जिसको पहले से मैंने भून लिया था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा पुलाव है और साथ में ये बूंदी की कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो अब मैंने रख दिया है ये एक पुदीना का पत्ता। तो फ्रेंड्स इस टाइम गर्मियों में आप कुछ हल्का खाना पसंद करते हैं तो आप इस बूंदी कढ़ी और सादे पुलाव को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अब मैंने गार्निश कर दिया है ये टमाटर की स्लाइस से। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।